नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों आज की ताजा बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। हाँ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है। मध्य प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को विधानसभा में बहुमत परीक्षण कराने का आदेश दिया है। चलिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का गणितीय आंकड़ा क्या कहता है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीट है, इनमें से दो विधायकों के निधन के कारण दो सीट खाली हो गई है। इस तरह कुल 228 विधायक थे, इनमें से कांग्रेस के बागी 22 विधायकों के इस्तीफे स्पीकर ने मंजूर कर लिए। इस तरह अब 206 विधायक शेष रह गए हैं। सरकार को बहुमत साबित करने के लिए 104 विधायक चाहिए, लेकिन कांग्रेस के पास है इस वक्त सिर्फ 92 विधायक हैं। कमलनाथ सरकार को समर्थन दे रहे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और निर्दलीय विधायकों की संख्या कुल मिलाकर 7 है। अगर सारा गुणा भाग कर लिया जाए तो भी ये आंकड़ा 99 पर पहुंचता है, यानी बहुमत से 5 कदम दूर रह जाएगी कांग्रेस पार्टी। उधर बीजेपी के पास 107 विधायक हैं, हालांकि वो दावा सिर्फ 106 विधायकों का कर रही है। बीजेपी ने राज्यपाल के सामने परेड में भी 106 विधायक ही शामिल किए थे। पार्टी ने अपने विधायक नारायण त्रिपाठी का नाम है उस सूची में शामिल नहीं किया था। त्रिपाठी जुलाई में दंड विधि संशोधन विधेयक पर कमलनाथ सरकार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि कमलनाथ सरकार गिरने के पूरे आसार हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश में सियासी पारा हाई लेवल पर है, राजनीतिक गतिविधियां उफान पर है। विधानसभा सचिवालय ने देर रात कार्य सूची जारी की। कमलनाथ सरकार को आज सदन में अपना बहुमत साबित करना होगा। देर रात विधानसभा सचिवालय ने कार्य सूची जारी की है, जिसमें 2 बजे का समय तय किया गया है। उससे पहले दोपहर 12 बजे सीएम कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं।